24 सितंबर 2014, ये वो दिन था जब भारत के मंगलयान मिशन ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया था और ऐसा करके भारत बिना असफल मिशन किए अपने पहले प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में दाखिल होने वाला पहला देश बन गया। ये पहली बार था जब इसरो ने दूसरे ग्रह के लिए कोई मिशन लॉन्च किया था। इससे पहले नासा, रशियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मंगल के लिए सफल मिशन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कई बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा था। और उस दिन से आज तक ये मंगलयान ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है। इसने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की है जो इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया था, और ये लगातार मंगल ग्रह से डाटा और तस्वीरें हमें भेज रहा है। लेकिन ये कब तक ऐसे ही काम करता रहेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो इसका भी फ्यूल खत्म हो जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मंगलयान मिशन को कैसे लॉन्च किया गया था, कैसे वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, और अब तक इसने हमें मंगल ग्रह पर क्या खोज करके दिया है, और कब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और हमें इसे अलविदा कहना पड़ेगा। मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी ग्रह है। इस पर स्पेस मिशन करने का सिलसिला 1960 से चला आ रहा है, लेकिन मार्स मिशन में पहली कामयाबी हमें 1965 में मिली थी, जब नासा का ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया था। अब तक मंगल पर 56 मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 26 मिशन में हमें कामयाबी मिली है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया हो कि मंगल पर स्पेस मिशन करना इतना मुश्किल क्यों है, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हो। इसरो मंगल के लिए मिशन लॉन्च करने की योजना तो 2010 से ही बना रहा था, लेकिन ये मिशन सुर्खियों में तब आया जब सरकार की ओर से इसे मंजूरी मिली। 2012 में सरकार की ओर से मंगलयान को परमिशन मिल गई। इसके बाद इसरो ने सिर्फ 15 महीनों में मंगलयान को बना डाला, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। पूरी तैयारी हो जाने के बाद 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च किया गया। अपने 300 दिनों के सफर के बाद 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया। ये करके भारत मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी भी ये मिशन कर चुकी हैं, लेकिन पहले प्रयास में सफल सिर्फ भारतीय हो पाया था। मंगलयान मिशन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये बिना इंस्ट्रक्शन के कई दिनों तक अपने आप काम कर सकता है। इसका मंगल ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिट इलिप्टिकल है, इस कारण ये कई बार मंगल ग्रह के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और कई बार ये बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। बहुत ज्यादा दूर चले जाने के कारण ये पहला ऑर्बिटर भी बना जिसने पूरे मंगल ग्रह के डिस्क को एक साथ कैप्चर किया था। मंगलयान ही वो पहला मिशन था जिसने मार्स के मून डिमोस की फार साइड की तस्वीरें भेजी थी और डिमोस से जुड़े हुए बहुत सारे डाटा को धरती पर भेजा था, जिसकी मदद से हमने डिमोस को और अच्छे तरीके से जाना। अब तक ये 1000 से ज्यादा तस्वीरों को धरती पर भेज चुका है, जिनमें से ज्यादातर मंगल की हैं और कुछ उसके मून डिमोस और फोबोस की हैं। मंगल ग्रह की इन्हीं तस्वीरों की मदद से हम पूरे मंगल ग्रह के एटलस को बनाने में सफल हो पाए। पहली बार मंगलयान ने हमें यह बताया कि मंगल पर चलने वाला तूफान वायुमंडल में कई सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर उठ सकता है। लैंडर के अभाव में मंगलयान इसकी मिट्टी को तो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जान पाया, लेकिन मंगलयान ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी को धरती पर भेजा था। इसरो मंगलयान 2 को भी लॉन्च करना चाहता है, जिसमें ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर भी भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है। जब इस मंगलयान को लॉन्च किया गया था तो इसे 6 महीनों तक काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे इसरो की काबिलियत कहें या किस्मत, अपने 300 दिनों के सफर के दौरान मंगलयान ने कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो इसरो ने इमरजेंसी के लिए फ्यूल डाला था वो कभी काम ही नहीं लिया। तो इस तरह ये 6 महीनों तक चलने वाला मिशन पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा है, और इसरो की माने तो ये आने वाले 1 साल तक ऐसे ही काम करता रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद फ्यूल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो धरती पर कभी भी डाटा या तस्वीरें नहीं भेज पाएगा। इस तरह 6 महीनों का मिशन पूरे 6 साल तक चलेगा। तो आज आपके लिए एक सवाल है कि ये स्पेस मिशन के दौरान भेजे गए लैंडर या ऑर्बिटर धरती पर डाटा या तस्वीरें कैसे भेजते हैं? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जल्द ही इस पर नया वीडियो डाल दिया जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।